मंगलवार 13 अगस्त को चंडीगढ़ के सेक्टर 45 सी के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर द्वारा बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। पिछले काफी समय से स्कूल प्रबंधन कमेटी की तरफ से बच्चों के लिए बास्केटबॉल के मैदान को बनाने का प्रयास चल रहा था। इस कार्यक्रम के अवसर पर सांसद किरण खेर बतौर मुख्य अतिथि पहुंची और अकाली दल हरदीप सिंह चंडीगढ़ अध्यक्ष चीफ इंजीनियर हीरा नेगी, बॉबी गुजराल व मुख्य अध्यापिका हरमीत कौशल व अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। चलिए इस मौके पर आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ सांसद किरण खेर ने क्या कहा और अर्थप्रकाश संवाददाता मनदीप गौतम को बच्चों ने बास्केटबॉल कोर्ट को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। आप लोग सब उत्साह के साथ खेलिए। देखिए, खेल कूद बहुत जरूरी है। आपकी बाकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको ग्रो करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। और इस शहर में इतनी सारी आपके पास चीज़ें हैं, जगहें हैं जहाँ पर आप स्पोर्ट्स को कर सकते हैं फॉलो। तो आजकल माँ बाप भी यही कहते हैं कि नंबर लेके आने हैं, तो बेचारे बच्चे किताबों में कंप्यूटरों में घुस के रह जाते हैं ट्यूशनों में। थोड़ी सी ट्यूशन से टाइम निकाल के स्पोर्ट्स को भी दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनदीप गौतम। श्रीमती किरण खेर चंडीगढ़ की सांसद हैं। आज उनके द्वारा सेक्टर 45 सी में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का एक मैदान का, जो दो मैदान हैं यहां पर, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का उद्घाटन किया गया है। आइए बच्चों से जानते हैं वो इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपका? हाँ जी। क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। कब से खेल रहे हैं? दो तीन महीनों से। अब आपके लिए ये मैदान बन गया है, तो कैसा फील करते हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। मैम, आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका जी, पहले खेलते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? यस, पहले टाइकोंडो में थी। क्या खेलते हैं? टाइकोंडो में थी, अब स्कूल में आई हूँ तो बास्केटबॉल ली है। बास्केटबॉल जी। तो इस मैदान अब बन चुका है, कैसा फील कर रहे हैं कि आपके लिए नया मैदान बनाया गया है और कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं? बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्कूल में ये बना है। इसके थ्रू हम गेम खेलेंगे, नेशनल वगैरह जाएंगे और स्कूल का नाम भी रोशन होएगा। हम अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करेंगे, हमारा खुद का भी होएगा। आपका नाम? श्वेता। श्वेता जी, इसके अलावा आपके स्कूल में क्या कुछ खिलाया जाता है? हमारे स्कूल में वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है और काफ़ी सारी गेम्स वगैरह हैं, हम वो खेलते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं काफ़ी अच्छी तरह हमें खिलाते हैं और गाइड करते हैं बच्चों को। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस सरकारी स्कूल के स्पोर्ट टीचर। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे एक्टिविटी होती है। मैम, आपका शुभ नाम? मंजू नेहरा। मैम, यहाँ पर बच्चों का स्पोर्ट्स में कैसा इंटरेस्ट है? अच्छा है कुल मिला के, बट जितना गाँव के बच्चों का इंटरेस्ट होता है तो उससे थोड़ा कम है। एक्टिव कम रहते हैं, डिसिप्लिन कम फॉलो कर पाते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के अलावा क्या कुछ एक्टिविटी होती है? इंडोर गेम्स हैं, कैरम बोर्ड है, चेस है, तो जो भी पीरियड होते हैं स्पोर्ट्स के तो इंडोर गेम भी खिलाते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।